चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बाहर का व्यापारी सब जमीन ने खरीद रहा, आप सड़क की जमीन बताओ। हम न तो ये हिंदू मान रहे, न ये भाजपा वाले मान रहे। हिंदू हितैषी सरकार है और जाट को ये हिंदू मानते हैं, तो आज भी जो है मुकदमे क्यों चल रहे हैं, मुकदमे वापस क्यों लिए? इन्होंने अपने मंत्रियों पर जो दंगे का मुकदमे वापस ले लिए और जाट के बालक आज भी जेल में है। नगर संजीव बालिया नारा का, मील का गन्ना भुगतान चाहिए, 14 दिन की गारंटी चाहिए, इससे कम हमें मंजूर नहीं। अपने आप को यूनियन का सिपाही समझो, कोई जरूरत नहीं रसीद की किसी की। हम पैदा किसान बिरादरी में हुए तो हम किसान हैं, यूनियन हमारा घर है, हम यूनियन के सिपाही हैं। जिस दिन अपने आप को ये मान लोगे, दूसरे का धारा भी तो चुलम भरनी बता दो सिराने किसी दिन बैठा आ गया। कोई जो अपने घर को छोड़ कर गया, मर्द हो स्त्री हो, वो बिल्कुल चुप गया। जब मार्च में 1 मार्च को जब भारतीय किसान यूनियन का सबसे बड़ा आंदोलन खेड़ी करमू बिजली घर पर हुआ, तो यही वो गांव है, और अगर आपका कैमरामैन दिखा पाए तो यही वो अस्पताल, यही वो मंदिर है जहां 11 फरवरी 1987 को चौधरी टिकैत यहां पंचायत करके घोषणा करके गए थे कि हम बिजली घर को घेरेंगे और इसके परिणाम चाहे जो भी हो, 2 हमारे किसान शहीद हुए थे। आज फिर उसी फुगाना की धरती पर हम हैं और इस लड़ाई को वहीं तक लड़ेंगे। मील का गन्ना भुगतान चाहिए, 14 दिन की गारंटी चाहिए, इससे कम हमें मंजूर नहीं। मगर दावे तो जी कर रहे इलेक्शन आ रहा है, 24 का इलेक्शन आ रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझ पा रहे? समझ पा रहे, खूब समझ पा रहे। तो क्या कुछ बदलाव होगा चुनाव में? बदलाव तो किसान एक हो जाओ, सारा हुआ हुआ। भारतीय किसान यूनियन, किसान बिरादरी के जमीन कैसे बचेगी? उनका टारगेट है कि 2047 तक ये बहुत सी जमीन दे व्यापारी के पास में चली जाएगी। आप देख रहे कि बाहर का व्यापारी सब जमीन ने खरीद रहा, आप सड़क की जमीन बताओ, आप 50 लाख रुपए बीघा की बताओ, 1 करोड़ की बताओ, वही खरीद लगा। आप पता कर लेना कौन खरीद रहा। एक पुराली का उसका भी बड़ा इशू चल रहा, पुराली पार्टी का, तो उसमें अपना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी वो है और बहुत बुरी स्थिति भी होती है पोल्यूशन की, तो उसमें अपना भाई देख के अपना काम करो, उसका कटिंग भी कर ले करो। बढ़िया बात है भाई, एक जानकारी और दे दूं, अब बिजली के बिलों पे छूट करी। ये वादे अनेक करते हैं, पूरा नहीं है। घास बत्ती बोलते हैं, घास तोड़ते हैं हमेशा से, लेकिन ये कह रहे किसान की कमर तोड़ दी इन बेईमानों ने। लेकिन अगर हम मैं थोड़ा सा हल्का सा नजर डालूं 2013 पर, उसके बाद बहुत ही माहौल बिगड़ा था यहाँ, और अब क्या हालात है? क्या फुगाना समझ चुका है ये राजनीति, जो तोड़ने की जो राजनीति? अब बिल्कुल आप आज देखो होगा, सब हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग का यहाँ पे उपस्थित था, ठीक है, साहब को सुनने के लिए, सब भाईचारा है, वो तो ठीक है। उसे वो झगड़ा था, उसे दंगे का रूप दे दिया गया और दोनों तरफ को नुकसान हुआ, दोनों घर उजड़ गए, किसी का क्या गया इसमें? जाट जेल में चला गया, मुसलमान काम छोड़कर चला गया, भाजपा को सरकार मिलेगी, नुकसान हुआ जाट कर मुसलमान का। चीजें समझ चुकी, समझनी चाहिए। अगर हिंदू हितैषी सरकार है और जाट को ये हिंदू मानते हैं, तो आज भी जो है मुकदमे क्यों चल रहे हैं, मुकदमे वापस क्यों लिए? इन्होंने अपने मंत्रियों पर जो दंगे के मुकदमे वापस ले लिए और जाट के बालक आज भी जेल में है। मैं दूंगा, नेता विधायक था
पहले 5 साल दिए था लोगों ने, जनता ने वोट दी, क्यों नहीं दी? कुछ कम कम में रही होगी, समझ गए लोग। हाँ, पर वोट दी नहीं, लोकदल दे दी। इनका लोकदल पर जाओ सर, 24 में क्या रहेगा मुजफ्फरनगर से? मुजफ्फरनगर संजीव बालिया ना रहेगा, यह सीट खिलाफ जागे, निकल खिलाफ जागे। सरकार भी बनती रहे, सरकार तो फिर भी यही बनाओगे। इन पर इतने अकंडे आ रहे, बेईमाना खूब सीख लिया उन्होंने, पर ये बारह टूट जाएगा। जो संजो का बारह, इसके बाद एकता अखंडता जो कुछ भी है, या टूट जाएगी तो इन्होंने बिल्कुल उसी पर प्रहार कर दिया। कितना जिद्दी रवैया इनका है। हम यहाँ से कोई ना चुनावी सभा है ना कुछ है, जो कोई जाओ काट दे लगा दे दो, हमें कुछ नहीं। ये तो निकालो समय, हम ना तो ये हिंदू मान रहे, न ये भाजपा वाले मान रहे, हमें नहीं पता हम किस पार्टी में है, क्या है। बस अपना जो इनकी समस्या है, जो किसानों की समस्या है, बोले तक काटने तक का पता हमें, कितनी हालत किसान की खराब है आज। इतना लंबा इस संगठन अनुशासन से ही चल रहा। एक घोषणा हम शामली जिले में जो कार्यकारिणी भंग हो रही थी, भंग भी नहीं करी थी, थोड़ा सा टेम के लिए था, बातचीत बड़ा तनाव था वहां से, आज उसे भी बहाल कर रहे हैं।